कलर करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी स्टेडलर और मार्कर। रोशनी को ध्यान में रखते हुए चेहरे को रेंडर करें एक स्कीन टोन कलर से। स्टेडलर इस्तेमाल करने से पहले पेंसिल की डार्क लाइंस मिटा दें ताकि वो कलर में मिक्स ना हो। रेंडरिंग करते समय लाइट की दिशा को ध्यान में रखें ताकि शेडिंग करने में कोई गलती ना हो। साथ ही रेंडरिंग करते वक्त भी ध्यान में रखिए यहाँ टॉप पार्ट में कलर नहीं करना है जहाँ हेयर की रेफरेंस लाइन है, क्योंकि जो स्टाइल आप बनाने जा रहे हैं उसके हिसाब से हेयर कलर चेंज हो सकता है। अब पानी लगाऊंगी कलर ब्लेंड करने के लिए। ये सिर्फ बेस, जब हम सभी डिटेल्स पे काम करेंगे तब शैडोइंग इफेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना होगा। सूख रहा है, मैं कान बना देती हूँ, साथ ही नेक। मार्कर से आंखों की आउटलाइन बनाने से पहले सूखने दे। अब मैं आंखों की डिटेलिंग पे काम कर रही हूँ ब्लैक मार्कर से। अब आंखों की बारीकियों को ध्यान में रख कर कलर करते हैं। पहले कलर करेंगे आईबॉल्स। लाइट डायरेक्शन ध्यान में रखते हुए थोड़ी स्पेस छोड़ देंगे जो कि सफेद होगी। गहराइयों को दर्शाने के लिए आंखों के पास शेडिंग कीजिए। अब थोड़ा सा आई शैडो। जहां पर भी मैं कलर नहीं कर रही हूं, यानी उसे सफेद ही रख रही हूं, लाइट के डायरेक्शन के साथ ग्लॉसी इफेक्ट पाने के लिए फिर चाहे वो आंखें हो या ओज, आंखों के पास थोड़ी गहराई के लिए, क्योंकि जब हम आंखें खोलते हैं थोड़े फोल्ड्स आ जाते हैं, थोड़ी डार्क शेड का इस्तेमाल करके इसे और बना रही हूँ। आखिर में ब्लैक स्टेडलर से बनाऊंगी आईलैशेस, फाइनल लुक है। अब नाक के आसपास शैडोइंग करेंगे ताकि थोड़ा वॉल्यूम पा सके। किनारों पर थोड़ी सी शेडिंग चेहरे को सुंदर और थ्री डायमेंशनल आकार देती है। वो प्लेसेस मैं डार्क कर रही हूँ जॉ लाइन पर जी, होठों के नीचे कॉर्नर पर। 3D इफेक्ट पाने के लिए चिन के नीचे भी से मैं थोड़ा सा टचअप कर लेती हूँ। फेस पे हल्का स्मूथनेस पाने के लिए अब लिप्स, आउटलाइन तो है ही, कॉर्नर्स को कलर कर देते हैं। बीच में खाली रखेंगे ग्लॉसी इफेक्ट के लिए। और अब फेस के लिए फाइनल टचअप। हल्का ही करना है। अब लाइटर शेड के साथ उसको मिलाना है जिससे थोड़ी में ब्राउन स्टेडलर से टच देंगे आउटलाइन को। रेंडरिंग पूरा होने के बाद फेस ऐसा दिखेगा। हाँ, ये अधूरा जरूर लगेगा क्योंकि हमने बाल नहीं बनाए हैं, लेकिन जब आप लुक के हिसाब से बाल बनाएंगे ये पूरा हो जाएगा।